तो सभी ने बहुत अच्छा लिखा। बहर में लिखना बहुत ही खूबसूरत बात होती है। सबसे पहले तो हमारे भाई की निजामत के लिए खूबसूरत निजामत के लिए तालियां। इतनी बेहतरीन निजामत, वाकई दिल खुश हो गया। अगर मैं नहीं भी पढ़ती तो भी मेरा स्लॉट किसी और को दे दीजिए, मैं निजामत देख के खुश हूँ। और जो लोग बहुत स्वच्छंद लिखते हैं ना, ख्याल लिखते हैं, वो बड़े प्यारे लगते हैं मुझे, क्योंकि ख्याल लिखना बहुत मुश्किल बात होती है। तो उन सब ख्याल लिखने वाले लोगों की नजर चार लाइनें कि मत बांधो मेरे ख्यालों को बहर और मीटर में, मत बांधो मेरे ख्यालों को बहर और मीटर में, मैं अपने ख्वाब और जज्बात लिखती हूँ, मैं अपने ख्वाब और जज्बात लिखती हूँ, और बाज और चील जैसी शिकारी नहीं हूँ, बाज और चील जैसी शिकारी नहीं हूँ मैं साधारण सी चिड़िया हूँ, मैं गौरैया सी दिखती हूँ, मैं गौरैया सी दिखती हूँ। और प्यार मोहब्बत की बात तो चलती रहती है, तो हमारी मोहब्बत हमारी लेखनी से है कि मेरी रूह का सुकून और जज्बात तुम ही हो, मेरी सुबह दोपहर शाम और रात तुम ही हो, और होंगी तुम किसी के लिए फलक या जमी, मेरे लिए तो सारी कायनात तुम ही। तो कुछ अपने मन के ख्याल पढ़ना चाहूंगी। हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, तो बस वैसे ही कुछ लिखा था हल्का फुल्का कि मन का शोर सुन सके वो कान ढूंढ रही हूँ, मन का शोर सुन सके वो कान ढूंढ रही हूँ, गूंगों के शहर में जबान ढूंढ रही हूँ। बचपन में उड़ाए थे ख्वाहिशों के कई सारे, बचपन में उड़ाए थे ख्वाहिशों के कई सारे, आज वो सब कागज के विमान ढूंढ रहे हैं। कि खेतों की सकरी पगडंडियों पर कदम, खेतों की सकरी पगडंडियों पर पतंग लेकर दौड़ा करते थे कभी, तरक्की की खोज में जाने किन राहों पर निकल आए, आज उन पैरों के निशान ढूंढ रही हूँ। क्या बात है, सुंदर, शुक्रिया। खेल खिलौने दही बिलौने पीछे छूटे सारे, पेट की आग सुलगती ही रही, कमाना तो सीख लिया खुद के लिए, पर जो भूख मिटा सके वो पकवान ढूंढ रही। और आखिरी की जो दो बंद है वो भौतिकवाद और आधुनिकता के नाम है, तो प्लीज कोई पर्सनल मत लीजिएगा, कि भौतिकवाद के मकर जाल में ऐसी उलझ कर रह गई है जिंदगी, सब होकर भी कुछ अधूरा सा ही रहा, तो मेरी रूह को जो सुकून दे जाए वो सामान ढूंढ रही हूँ। आधुनिकता ने सोच और कपड़े ऐसे काट छाट कर रख दिए, कौन भेड़ कौन भेड़िया पहचानना मुश्किल है जरा, आधुनिकता ने सोच और कपड़े ऐसे काट छाट कर रख दिए, कौन भेड़िया पहचानना मुश्किल है जरा, जिसमें महफूज समझ सकूं खुद को, जिसमें महफूज समझ सकूं खुद को, वो गिरेबान ढूंढ रही हूँ। मन का शोर सुन सके वो कान ढूंढ रही हूँ, और गूंगों के शहर में जबान ढूंढ रही हूँ। बहुत बहुत आभार। और एक मेरी सबसे पसंदीदा बहर पे मैंने कुछ लिखा है, कुमार विश्वास जी की पसंदीदा बहर जो सभी को काफी पसंद आती है, आप लोग साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। और इसका भाव ऐसा है कि जब इंसान बहुत घुटने लग जाता है तो ये सभी के साथ होता है, और मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के भी साथ हो कि उसकी घुटन इतनी बढ़ जाए। शहर तो दिख रहा है ये मगर इंसान गायब है, शहर तो दिख रहा है ये मगर इंसान गायब है, नजर तो है सभी के पास में ईमान गायब है, नजर तो है सभी के पास में ईमान गायब है, न मुझसे पूछ तू साकी घुटन मेरे ही अंदर की, मेरी सांसें निरंतर है मगर ये जान गायब है, मेरी सांसें निरंतर है मगर ये जान गायब है, जिसे पूजा किया अब तक वही भगवान गायब है, जिसे पूजा किया अब तक वही भगवान गायब है, चिता तो जल रही मेरी
मगर शमशान गायब है, चिता तो जल रही मेरी मगर शमशान गायब है। कि सर पे छत मेरी है और पैरों में जमीन भी है, कि सर पे छत मेरी है और पैरों में जमीन भी है, मगर अपना कहूँ जिसको वो सब सामान गायब है। मगर अपना कहूँ जिसको वो सब सामान गायब है। खिलाए थे वफा के फूल वो बागान गायब है, नमी आंखों में छाई है कि अब मुस्कान गायब है। नहीं बनना मुझे यारों जहां में भीड़ का हिस्सा, गौर फरमाइएगा, नहीं बनना मुझे यारों जहां में भीड़ का हिस्सा। अकेली चल पड़ी हूँ मैं मगर अभिमान गायब है, अकेली चल पड़ी हूँ मैं मगर अभिमान गायब है। बहुत बहुत शुक्रिया।